साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बंधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस को महत्व समझा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी हाल में ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय योगदान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की जनजातीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को पद्म सम्मान देने का सौभाग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है। ऐसे ही अनेक प्रयासों का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधिक है।